ये तिरंगा किला के साथ बहुत ही सम्मानित गांव गांव से आए हुए इस इंद्रदेव के आशीर्वाद से चली हुई बारिश में भीगते हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और एक न छोड़कर मेरी माता और बहनों, हनुमान जी कहें कि धर्म पत्नी उड़े ना बैठी सिर पलवान फौजी की धर्म पत्नी बैठी कोई बैठी से तो बताओ सकेज में बैठे थे हनुमान जी। डॉक्टर साहब धर्मवीर जी महाराज सेठ जी बैठे थे बैठी जी आज दिखा ना जी। माता और बहनों, सम्मानित बंधु, दूर दराज तक जहां तक मेरी नल काम करने वाले ऑफिसों में बैठे अधिकारियों सबको बलवान फौजी का राम राम नमस्कार जय हिंद। दोस्तों और बुजुर्गों, जब हमने 2 जुलाई को यह धरना शुरू किया था बहुत लोग नो कहा करता बोलो जो पंडाल लगाओगे वो तो 2 10 बाई 10 को लागो ये तो फौजी से कहने केस से के ना इसे। अरे मैं बोलो जो कलेजो से ना मारकना है यो डॉक्टर साहब ने बोलो भाई के को फेरो कोने आपने इतनी बड़ी भाई ने कम मत करा ई भी तो आयो टेम है ई भी सुरेंद्र फौजी सारी टीम की कहानी बता रहा हूं। ये बोलो फौजी साहब गांव गांव तो आप चलना हा गाड़ी घोड़ो और सारी चीजें इंगिर के अगो। मैंने मेरे डॉक्टर और मेरी टीम से कहा कि आज तक राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक लाभ के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं और मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैंने जो राजनीति खातर पैसा इकट्ठा कर रखा थी वो मेरा जिला मुख्यालय खातर लागी। तो डॉक्टर साहब बोले चुनाव, अरे मैं बोले चुनाव तो हर 5 साल में आनी जानी चीज है, पंछी लेकर के प्रधानमंत्री तक बदलता रही थी। ये 43 साल का ये आशा 48 साल में बन जाऊंगा रूसी आगे बन जाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा। जो हमने ये जिला मुख्यालय की लड़ाई शुरू की टीम से बैठ करके इसमें सारे के सारे मैं नाम लेकर के एक एक का धन्यवाद करूंगा। आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर पाएगा जी जिन्होंने हेम भूमिका या घुटनों में दर्द था उसके बाद भी अपना पट्टी बांध करके साथ दिया। ये जितने भाइयों का नाम लो खड़े होकर के नमस्ते करें सबको। रामनिवास पाटोदा जी जब हमने इनको कहा सुबह से लेकर के हमारे साथ समाज सेवे निस्वार्थ भाव से साथ थे। जगदेव भोजी बेरी से ये आज भाई का हाथ काम नहीं कर रहा है हवा लगी हुई आ रही और भाई आपके सामने बैठा है जो कि खाने की व्यवस्था देखता है। हवलदार राकेश बेरी जो कि इस टेंट के चारों तरफ ये खड़े हैं आपके बीच में। रामचंद्र पीटीआई भोजी साहब किधर है खड़ा है जाओ ये मुझ दिखना रही मैंने। गुरदान सरमा पराइका से वो देखो बोलो साहब मेरे कहने किमी को ना लेकिन मेरा प्राण आपके साथ सी। प्रमोद भोजी बराइचा से ओम प्रकाश दूलो ठही भोजी। मुख्तियार साहब 72 साल को रजिस्टर लिया खड़े हो मिलेगा कितन के मुख्तियार साहब कहा है आगा नहीं आओ रजिस्टर इतने रजिस्टर लेके खड़े हैं। जयप्रकाश धोली दादा जी एक्सपायर उसके बाद भी जो आमी से होने के बाद भी टाइम निकाले यो खड़े हो। दीपक खोजी सूर्यवास से सुबह 8 बजे बुलाया करता पुणी 8 बजे पूछा अगर तो रात को बेरो ना कब छोड़ता था। ये टीम है सतबीर जी पाएगा इब्बा अभेसिंह साहब को नाम आवे को ना बड़ा सी ना बड़ा लंबा चौड़ा सी ये कई कई बार नाट जाए तो मन को नाम पता चल जाएगा इतना का पैसा देना सी
पूरे दिन सवेरे शाम तक मैं तरकीब ना दे दिता का पैसा पूरे दे दो सुबेदार अभय सिंह ऑल इंडिया सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला प्रमुख सुबेदार राम स्वरूप साहब नांगड़ अरनाथ से 76 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आपके बीच में और ये 2-3 छोटा फोन लिया खड़े ऐसी बहुत मैंने बाद में जब ये फोन फान सारो सिस्टम में जाए से साहब आधो घंटो फोन रखो सो भाषण दो सो तारा हाथ दुखन डाय जाए सुबेदार अभय सिंह साहब का बड़ा प्यारा संदीप कावा और भाई संदीप इंजीनियर शास्त्री और टिन्नू और ये बेचारा खूब डांट सुनी सी और लागिया रही सी अग भाई कोई बात नहीं अगर हम डांट सुना सा डांट सुनना के बाद भी अगर जिला मुख्यालय आवे से तो हम शहीद हैं नबी तैयार से एक साहब से झंडो फहरा रहे थे राम भगत यादव लाल उनसे जिनका एक पैर नहीं है सुबेदार रणधीर साहब गुड़ा से मारे महोत्सव भी लागे से खड़ा जाओ दहेज लिया जब तो बहुत खड़े आ रहा था ये 1 रुपए में हमारे गांव से शादी हुई है इनके बेटे को एक बार जोरदार दहेज रही शादी के लिए तालियां मैं इनसे मजाक करता रहूं 1 करोड़ 13 लाख खाता मुझे मखो किमी तो करो मदद कैलाश चंद निम्बी नीची भांडोर ना निम्बी नहीं नीची भांडोर कथे से साहब एक बार आप स्टेज पर आ जाओ ना 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 निस्वार्थ भाव से साथ रहते हैं और उड़े जो आप पूरा पुरानी तितर बितर है रही थी उनको सारी व्यवस्था सेट करके जाए और हमारी 102 माता जी एक बार खड़ी है जाओ आप भी